पुराने रोग की हीलिंग को होते हुए देख रहा हूं। मैं एक आपके पुराने रोग क्या है आपको लंबे समय से जिस सिस्टर का नाम अमनदीप कौर है जी, अमृतसर मोदल गांव के रहने वाले और जिस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है, जिस सिस्टर बता रही कि 22 साल से इनको लुकोरिया की प्रॉब्लम थी और जिसके कारण जी बहुत परेशान थे। मैरिज से पहले जो प्रॉब्लम थी पर इनको इतना पता नहीं था, जो बता रही कि जैसे मैरिज हुई उसके बाद इस प्रॉब्लम के कारण इनको बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी और जो बता रही कि इसके को 15,000 इनकी इन्फेक्शन हो जाती थी और जब बता रही कि इस प्रॉब्लम के कारण इनके 2-3 ऑपरेट भी हो चुके थे, इन्होंने अपना पिता भी निकलवा दिया था, इनके हर्निया को ऑपरेट भी हुआ था और जिसके कारण इनकी प्रेगनेंसी भी नहीं थी होती और ये बहुत परेशान हो चुके थे इस प्रॉब्लम के कारण और इन्होंने मेडिसिन भी बहुत ज्यादा खा चुके थे और ये कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी कभी रुक जाती थी और जिसके कारण ये मेडिसिन ले रहे थे और ये बहुत परेशान हो चुके थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी। और जैसे जे सिस्टर पिछले संडे की मीटिंग में आए और प्रभु के दास के मुख से घोषणा हुई थी कि मैं आपके पुराने रोग की हीलिंग को देख रहा हूँ, जैसे जे सिस्टर ने रिसीव किया, पहले हम उस वीडियो क्लिप को देखते हैं। पुराने रोग की हीलिंग को होते हुए देख रहा हूँ। मैं एक आपके पुराने रोग क्या है आपको लंबे समय से ये रोग है, बीमारी है, आप विश्वास करते हो मगर वो रोग नहीं जा रहा, आप मेडिसिन खा रहे हो, विश्वास भी करते हो, छोड़ते हो, कभी मन बनाते हो, फिर से हालात आने की वजह के कारण फिर से वो चीज होती है, पर इस वचन के साथ प्रयास मैं उस बीमारी को हमेशा के लिए मैं कहता हूं हमेशा के लिए डर अपने अंदर से निकालो और इस वचन को अंदर ले लो, उस डर को बाहर निकालो और जिस सिस्टर ने हीलिंग को पूरे मन से रिसीव किया और जब बता रही कि इन्होंने चेक किया, परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको बिल्कुल फ्री कर दिया। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर का थैंक्स कहते हैं, हम सब तारीफ करेंगे कलीसिया। ये कितने सालों से आपको प्रॉब्लम थी? जय मसीह की जी। पापा मैंने समझ नहीं पी ये चीज की होंदी है, पहला मैंने पता नहीं इस चीज बारे, फिर मैरिज हुई फिर पता लगा मेनू कि मतलब की नुक्स होंदा है। मैरिज से भी पहले थी? हाँ जी, मैंने पता ही नहीं मतलब। आपकी मैरिज को कितने साल हो गए? 2006 च हुई है। 15 साल हो गए और इसी बीमारी के कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे? सब बेबी हुंदे सी, वो कहंदे कि मतलब जोड़े तुहाडे लकोरी उहनां दे मतलब सिर ते पैंदा वा, तो उहनां दे जदों हुंदे सी ना बच्चे ते कोई कहता दिमाग नहीं है, कोई कहता दौरे पीते, पहला बेटी हुई वो भी इस तरह होगी, फिर बेटी होगी वो भी इस तरह होगी। देखो इसी प्रॉब्लम के कारण। हाँ जी बोलो। देखो समझ आ रही है? और देखो बहुत ज्यादा मतलब मोटे पीस पेंदे होंगे, किसी वेले पतला किसी वेले संघना किसी वेले पता नहीं, फिर मेरे पेट च बहुत दर्द रही सी, ते टेस्ट कराना कहने बाथरूम टेस्ट और डॉक्टर ने कहना तो 15,000 इन्फेक्शन आए नहीं पेट च, मैं किसी वेले रोना मैनू की हो गया वा, पहला तो मैं कुछ हों नहीं, ब्याह तो बाद ही सारे दुख लगने हैं, किसी ने कहना पिछों माड़ी आई, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, जो किसी के मूँह होना सब ने माड़ी ही कहना। और देखो ये आपकी ये हीलिंग किस डेट की है? पिछले संडे की। हाँ जी, जब खुदावंद ने मेरे मुंह से बोला, उसके आत्मा ने कि मैं पुराने रोग को, हाँ जी बोलो क्या है, क्या है बोलो, हील होते देख रहा हूं और इस वर्ड को, क्योंकि उस दिन की जो हीलिंग है वो वर्ड से परमेश्वर ने चंगा किया। हाँ जी। क्योंकि उस दिन हीलिंग का जो वर्ड था चंगाई का वो ये था रोमियो आठ का एक कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा मतलब सजा का हुक्म, क्योंकि ये एक पाप की सजा है, बीमारी एक, और खुदा ने उस दिन वर्ड से हील किया था और इन्होंने उस दिन उस वर्ड को उस वचन को रिसीव किया। मैं तो उधर ही देना चाहनी है मानप्रीत की, नहीं तुसी पहला चेक करो और देखो बच्चे भी और भी थोड़ा वेट करो, क्योंकि पूरा प्रूफ के साथ और वेट करके, ताकि जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि हम ऐसे गवाही दें और थोड़े दिनों में बाद हो,
समझ आ रही है? एक हफ्ता पूरा चेक किया, बिल्कुल फ्री हूं मैं। तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, कम नहीं कर सकता, तारीफ करो अपने हाथों को उठाकर। कोई हो देवर के बड़े, उसके जैसा परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं। मैंने कहा उसके जैसा परमेश्वर, दियो ते सब कुछ कर सकता, कितने की दया सदा दियो ते। अनोखे कम अनोखे कम कर सच में। आमेन। देखो बस बस बच्चे, ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर चुके हैं और आपकी हर एक घटी को परमेश्वर महिमा से पूरी कर चुके हैं। आमेन, आमेन, आमेन।